दूसरी तरफ से सुबह 4 बजे कंफ्यूज करने के लिए फायरिंग हुई तो सेना का वहां ध्यान गया, लेकिन पाकिस्तान की सेना बड़ी स्मार्ट थी। उन्होंने कहा पीछे भी जाकर के देखो कि कवर करने के लिए कोई पीछे तैयारी तो नहीं है, और इसका 60 फुट बचा था योगेंद्र सिंह यादव का कि ऊपर से पाकिस्तान की सेना को पता लगा तो उन्होंने इनके ऊपर गन फायर करनी शुरू कर दी और एरियल गन फायर से 3 गोलियां लाके इसके कंधे के पास लगी। ये रुका नहीं, ये वही रात के समय बर्फ के बीच में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखा और धीरे धीरे चढ़ता रहा, और चढ़ा ना केवल चढ़ा, उसके बाद पहला ग्रेनेड फेंक के इसने दुश्मनी बंकर को उखाड़ दिया, दूसरे ग्रेनेड से दूसरे बंकर को उखाड़ा। इतने में पीछे से सेना की हमारी दूसरी टुकड़ी आ गई इसको सपोर्ट करने के लिए। दूसरे राउंड में लड़ाई चालू हुई, 16 गोलियां लग गई इसको, और 16 गोलियां लगने के बाद पूरा शरीर छल्ली छल्ली, और ये वहां पे क्या बोला, कहता है दुश्मन को मारने से पहले अगर मुझको मौत आ गई तो पहले मौत को मौत के घाट उतार दूंगा।